जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक जीत पे। तो देखिए बीआरओ ग्रुप में जितने भी आपकी भर्तियां होती हैं, जो भी आपकी पोस्ट होती है, अगर उस पोस्ट का एग्जाम आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, जब आपको फिजिकल के लिए या फिर आपके ट्रेड टेस्ट या फिर आपके मेडिकल या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको साथ में लेकर जाने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इनमें से कुछ आपके डॉक्यूमेंट हैं अटेस्टेशन फॉर्म, नंबर सेकंड है आपका NEFT मैंडेट फॉर्म, और नंबर तीन है आपका NPS सब्सक्राइबर फॉर्म। तो ये तीनों फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं और इनमें आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, जो कि अगर आप लोग गलती करते हैं तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। जितने भी आपकी पोस्ट हैं, चाहे SKT हो, ड्राइवर इंजन स्टैटिक हो, या फिर आपके ड्राइवर की हो, पेंटर की हो, मैसवेटर की हो, व्हीकल मैकेनिक की हो, मैसन की हो, नर्सिंग असिस्टेंट की हो, ड्राफ्टमैन की हो, XYZ आपके BRO ग्रुप की कोई भी भर्ती हो, कोई भी पोस्ट हो, ये सब आप लोग पूरे जानकारी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है आपका बीआरओ ग्रुप का ऑफिशियल कॉल लेटर, जो कि आपका फिजिकल आपके मेडिकल के लिए भेजा गया है। यहाँ पर ये जो आपका कॉल लेटर है, वो आपका रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, जो बीआरओ ग्रुप है उसके द्वारा आपके घर पर भेजा जाता है। यहाँ पर ये जो आपके मैस वेटर की पोस्ट है, जिसका ADVT नंबर 02/2021 है, उसका कॉल लेटर हमने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको मेन डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आपकी 6 फोटोज़ कॉपी, जो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए गैजेटेड ऑफिसर से, वो आपको लेकर जानी होती हैं। और इन डॉक्यूमेंट में आपका अटेस्टेशन फॉर्म, आपका डोमिसाइल, आपकी सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर आपने एज में छूट ली है तो उसका सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने पर आपको अपने जो सर्टिफिकेट है वो दिखानी होगी। और यहाँ पर साथ में जो आपके 10 लेटेस्ट फोटोग्राफ हैं या फिर फॉर्म में जो आपने फ़ोटो लगाई थी, वो सब आपको लेकर जानी होती हैं। इन सब के अलावा देखिएगा, जो कुछ और आपके एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, जिनमें आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट बताया हुआ है वो है आपके बैंक की पासबुक, जो कि आपको प्रीफर की गई है SBI बैंक की। अदर बैंक की पासबुक भी आप लोग लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि वो आपकी SBI की हो। देन आपको जो बैंक की चेकबुक है वो लेकर जानी है। देन आपका NEFT मैंडेट फॉर्म, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, NPS सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, वो सब आपको लेकर जाने होते हैं। ये आपके जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने आपको बताई है, वो सभी पोस्ट के लिए, सभी भर्तियों के लिए है, चाहे आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो आपके मेन डॉक्यूमेंट हैं वो देखिए आप सब अपने पास में रखते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हैं वो आपका एक तो है सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म, देन है आपका NEFT मैंडेट फॉर्म, और फिर है आपका NPS सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये तीनों फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, और वहाँ पर आपको तीनों ही फॉर्म का जो लिंक है वो दिया हुआ है। उन लिंक पे क्लिक करके जो भी फॉर्म आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्म को डाउनलोड करने का सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर दिया है। अब ये जो फॉर्म है कैसे आपको देखने को मिलेंगे वो सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो फॉर्म यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं, ये है आपका NEFT मैंडेट फॉर्म। इसमें आपको मेनली क्या करना होता है, जो भी आपके बैंक्स की डिटेल हैं वो सब आपको फिल करनी होती हैं, और इसमें जो भी यहाँ पर आपके बैंक की स्टैम्प है, आपका सिग्नेचर है, वो सब आपको यहाँ पर करवाना होता है। उसके बाद ये जो आपका सेकंड फॉर्म यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं, ये है आपका NPS सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। NPS का मतलब होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि 2004 के बाद में जो आपका NPS सिस्टम है वो आपका लागू हो चुका है। तो यहाँ पर ये टोटल 7 पेज का आपका फॉर्म है, जो कि आपको फिल करना होता है। इसमें आपकी जो पर्सनल जानकारी है, आपके एड्रेस की जानकारी है, और प्लस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो आपको फिल करनी होती है।
और उसके बाद जो आपका एक और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रमाणन प्रपत्र। ये टोटल देखिए आपका 7 पेज का होता है और इसमें भी आपको जो पूरी जानकारी है खुद की, आपके एड्रेस की, वो सब आपको फिल करनी होती है। और यहाँ पर देखिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको किस से अटेस्ट करवाने हैं, उन सभी की यहाँ पर लिस्ट आपको दी हुई है। जैसे कि जो आपका वीडियो होता है उससे आप लोग जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकते हैं, आपका तहसीलदार या फिर आपके स्कूल कॉलेज का हेडमास्टर या फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर या फिर आपके माता पिता या फिर अभिभावक, जहाँ से आपके निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं उसका कोई संसद का सदस्य या फिर राज्य विधानसभा का जो सदस्य है उससे आप जो डॉक्यूमेंट है वो अटेस्ट करवा सकते हैं। तो यह आपकी कुछ ऐसी लिस्ट है जो कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं और यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी होती है। ओके, अब इन तीनों फॉर्म को कैसे फिल करना है और यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें फिल करनी होती है अपने पर्सनल डिटेल्स के बारे में, एड्रेस के बारे में और आपकी मिसलेनियस आपके जो जानकारी आपको पूछी होती है, उन सब के ऊपर आपको हम अलग से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो ये जानकारी कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा। और बीआरओ ग्रुप में जितने भी आपकी भर्तियां आ चुकी हैं या फिर आने वाली हैं, जैसे कि फिलहाल में जो वैकेंसी आपकी चल रही हैं एसकेटी, ड्राइवर इंजन स्टैटिक, एमएसडब्ल्यू मेसन, एमएसडब्ल्यू नर्सिंग असिस्टेंट, इन सभी की जो पूरी जानकारी है कि आपकी भर्ती की पूरी क्वालिफिकेशन वगैरह, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, इनके ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, इन सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, जिनका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और इनके स्पेशल बेस्ट स्पेशल नोट्स के लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आगे के हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में आपका रिव्यू शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।